हेलो मॉम्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉम, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। माय डियर मॉम्स, आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपने वीडियो में लेकर आई हूँ जो कि आप पूछती हैं और आप ये कहती हैं कि मैम, प्रेगनेंसी में अगर हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं या पी रहे हैं तो इससे हमारे बच्चे का कलर काला हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे मैम, चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से बेबी का कलर काला हो जाएगा, या फिर हम बहुत आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर आयरन ले रहे हैं उससे बेबी का कलर काला हो जाएगा, या फिर गर्म फूड खाने से बच्चे का कलर काला हो जाएगा, या फिर हम धूप में बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं तो उससे बच्चे का कलर काला हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आप जो पूछती हैं क्वेश्चन के थ्रू, तो इन सब के डाउट मैं आज क्लियर करने वाली हूँ कि वाकई में इन सब चीज़ों से बच्चे का कलर काला होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है कुछ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं बेबी फूड, बेबी हेल्थ के बारे में या बेबी हेल्थ केयर के बारे में, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियो आप तक इमिडिएटली पहुँच जाए। तो वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं जिसमें कि मैं बात कर रही हूँ कि क्या खाने पीने से बच्चे के कलर पर कोई फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, देखिए जो बच्चा सबसे अच्छा एहसास होता है माँ बनना, और आप माँ बन गई हैं, अगर आपका बच्चा सांवला है, गोरा है, गेहूं रंग का है, इट डजेंट मैटर, किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और इस तरह की कोई इंसान बात भी करे तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान की देन होते हैं और हर रूप रंग में वो बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छे होते हैं। हमें उनको दिमाग से स्मार्ट बनाना है, ना कि शरीर से। शरीर का रंग कैसा भी हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। अब बात उस बात पर आते हैं कि वाकई में क्या चाय पीने से या फिर कॉफ़ी पीने से बच्चे का कलर काला हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। हालांकि मेरे से भी ये वाली बात बोली जाती थी कि चाय पीने से खुद का भी रंग काला हो जाता है और बच्चे का रंग भी काला हो जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं चाय में कैफीन नामक ये एक तत्व पाया जाता है, जिसको कि अगर हम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लेते हैं, ठीक है, तो हम उसके एडिक्ट बन जाते हैं और ज़्यादा थोड़े टाइम के लिए हमें उससे फ्रेशनेस फील होती है, ठीक है, हमारी थकावट दूर हो जाती है उसको पीने से। लेकिन अगर हम बात करें कि कलर पे कोई फ़र्क पड़ता है, तो कलर पे कोई किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक र्यूमर है कम्प्लीटली। तो अगर आप प्रेगनेंसी में चाय पीना चाहती हैं तो एक अच्छे तरीके से पी सकती हैं, जैसे हर्बल टी पी सकती हैं आप, ठीक है, हर्बल टी बहुत अच्छी होती है, जैसे अदरक की है, तुलसी की है, इनकी चाय आप पी सकती हैं। चाय पीने का बहुत मन है और आप बिना चाय के नहीं रह पाते, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि अच्छे दूध में चाय बनाएं और उसमें जो चाय की पत्ती कम डालें, ठीक है, चाय की पत्ती आप थोड़ी डालेंगे तो कैफीन की मात्रा आपके अंदर कम जाएगी और आपकी जो चाय की ललक है वो भी समाप्त हो जाएगी, और इससे बच्चे के कलर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। दूसरा एक ये बोला जाता है कि क्या बहुत ज़्यादा एक्सेस में या फिर हम आयरन की जो टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं क्या उससे भी कलर काला हो जाता है? देखिए, ऐसा कोई ये कोई चीज़ प्रूफ्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा आयरन लेने से बच्चे का कलर काला हो जाता है, बल्कि आयरन की कमी से बहुत सारी डिफिशियंसी, बहुत सारे जन्म दोष बच्चे में आ सकते हैं। तो आप किसी के कहने पर या किसी ने आपके कान में ये वाली बात डाल दी है, अब नहीं आयरन की गोलियाँ मत लो या बहुत ज़्यादा आयरन मत खाइए तो इससे बच्चे का कलर काला हो जाएगा, ऐसा करने से बच्चे में और कमियां पैदा होंगी, ऐसा बिल्कुल भी किसी की बातों में मत आइएगा, ये कोई प्रूफ्ड नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल आयरन वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाइए, और अगर आपके जो डॉक्टर ने आपके लिए टैबलेट्स दी हैं तो प्लीज़ उनको कंटिन्यू रेगुलर लीजिए, उनको स्किप मत करिए। देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है जो बच्चे के कलर के ऊपर में, मैं अभी आपको बताऊँगी और जो मैं जो चीज़ें वो क्लियर कर दूँ कि एक जो बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्म गर्म खाना मत खाइए, इससे भी बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म खाना आपके सेहत के लिए सही नहीं है, एक मीडियम गर्म खाना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए। फिर कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म खाने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, साथ ही साथ बच्चे के लिए भी वो सेफ़ नहीं है। लेकिन कलर पर कोई इससे ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
कि बहुत ज़्यादा गर्म खाने से बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। जैसे ये भी बोलते हैं कि एग खाने से या फिर नॉन वेज खाने से बच्चे का कलर काला हो सकता है, तो इनसे भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सब बातों को भी आप बिल्कुल रूमर्स मारिए, ये मिथ है, तो इस चीज़ पर बिलीव मत करिए। एक बात ये भी बोली जाती है कि अगर आप अनार प्रेगनेंसी में खाते हैं तो अनार खाने से बच्चा काला हो जाता है, तो कम्प्लीटली ये रॉन्ग है। अनार खाने से आपके आयरन की कमी दूर होगी, आपको भूख नहीं लगती, एनीमिया की दिक्कत है वो भी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल आप किसी की बातों पर बिल्कुल बिलीव ना करें कि अनार खाने से बच्चा काला होता है। ऐसा बहुत सारे, मैंने फुल प्रेगनेंसी में अनार खाया है, मेरी बच्ची का कलर बहुत अच्छा है, नो डाउट। किसी रीज़न की वजह से उसका डल हो गया था, लेकिन बाद में वो सही हो गया। कुछ चीज़ें मैंने जो रेगुलर जो होम रेमेडीज़ मैंने अप्लाई करी हैं उससे उसका कलर सही है। लेकिन ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मैंने फुल प्रेगनेंसी में अनार खाया और मेरी बच्ची का कलर अच्छा है, कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाकई में ऐसा क्यों होता है कि बच्चे का रंग काला है या गोरा है। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारी स्किन में एक तत्व पाया जाता है, मेलानिन नाम का तत्व, जो कि हमारे स्किन के कलर को बताता है। जैसे जिनकी स्किन में ये बहुत ज़्यादा होता है तो वो उन बच्चों का कलर थोड़ा सा सांवला होगा। जिनमें मेलानिन जो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, उनका कलर, बच्चों का जो स्किन का कलर है या किसी भी व्यक्ति का कलर है, वो थोड़ा सा फेयर होता है, मीन्स फेयर कलर का होता है। तो ये हमारे मेलानिन नामक तत्व पर ही निर्भर करता है कि किसका कलर कैसा है। साथ ही साथ ये जेनेटिकली होता है, अगर जैसे पेरेंट्स का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो ऑब्वियसली बच्चे का कलर भी वैसा ही होगा। अगर मदर पेरेंट्स में से किसी एक का कलर डार्क है, एक का फेयर है, तो बच्चा दोनों का मिक्सचर होगा, या हो सकता है कि माँ के रंग पर जाए या हो सकता है फादर के कलर पर जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अगर पेरेंट्स दोनों फेयर कलर के हैं तो बच्चा फेयर कलर का होगा। लेकिन हमें ये चीज़ बिल्कुल भी अपने अंदर ना ही लानी है और ना ही बच्चे के सामने ये करनी है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे का कलर बहुत ज़्यादा जैसे काला हो गया है, तो हम बहुत टाइप टाइप के होम रेमेडीज स्टार्ट कर देते हैं। नो डाउट बच्चों के ऊपर ये वर्क करती हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे का कलर बहुत ज़्यादा डल है और मैं कैसे करूँ, तो कुछ होम रेमेडीज़ के थ्रू 19-20 का फ़र्क हो जाता है। लेकिन हमें कभी भी इस चीज़ को लेकर नहीं नेगेटिव सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे का रंग काला है, हमारा बच्चा, और हमें हर तरीके से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काला है या गोरा है, और सारी चीज़ें जो कि बताई जाती हैं उनको आप कम्प्लीटली अपनी फुल प्रेगनेंसी में खाएं। आप ये ना सोचें कि बच्चा ये चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से, या गर्म खाने से, या नॉन वेज खाने से, या फिर अंडा खाने से ये काला हो जाएगा, या मैं बहुत ज़्यादा आयरन की टैबलेट्स ले लूँगी तो बच्चा काला हो जाएगा। प्लीज़ फुल न्यूट्रिशन लीजिए, फुल वेजिटेबल्स खाइए, फुल फ्रूट्स खाइए, जिससे जो मिले वो आप ज़रूर खाइए। इन बातों पर मत आप इन बातों को बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, ये सब रूप रंग जेनेटिकली बच्चों में आते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों से आप इनको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन किसी की स्किन को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए और बिल्कुल अपने माइंड से चीज़ को निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चे का थोड़ा कलर सही हो जाए, तो कुछ होम रेमेडीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। कभी कभी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल करने से बच्चे को दिक्कत भी हो सकती है, तो जैसे ही बच्चा ग्रोथ करेगा उसके साथ ही साथ बच्चे का कलर भी फेयर होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप माई मॉम मैं आपको समझा पाई हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में बता पाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। कमेंट ज़रूर करती रहिए, कमेंट पे आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है, तो मैं उस टॉपिक पर आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बना दूंगी। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।